समधड़ी के संस्कृत विद्यालय भवन प्रांगण में 5 दिवसीय आंजना प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व जिला प्रमुख बालाराम चौधरी ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में 16 टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। वहीं अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर खिलाड़ियों का परिचय कर बल्ला घुमाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। समधड़ी से सुनील दबे की रिपोर्ट। समधड़ी के संस्कृत विद्यालय भवन प्रांगण में 5 दिवसीय आंजना प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। इस 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख बालाराम चौधरी ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि खेलकूद से शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास होता है, प्रतियोगिता से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खेल को खेल की भावना से खेले, समाज की एकजुटता का संदेश देती है। ऐसी प्रतियोगिताएं इन्हीं में से निकलकर प्रतिभा देश के लिए मेडल लेकर आती हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 16 टीमों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। वहीं अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी लेकर खिलाड़ियों का परिचय कर बल्ला घुमाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। मेरे समाज के युवाओं को धन्यवाद देता हूं, इनकी सोच को धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छा आयोजन किया, इससे समाज का मिलन भी होगा, समाज में एकजुटता बढ़ेगी, युवाओं में एकजुटता बढ़ेगी, खेल के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, आपस में मिलनसार भी बढ़ेगा, यानी बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और इन युवाओं को धन्यवाद देता हूँ इस पर कि हमेशा ऐसे समय समय पर आयोजन हो। प्रतियोगिता में 16 टीमों के 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं 5 दिवसीय आंजना प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता टीम को 21,000 रुपए नकद राशि और उपविजेता 11,000 रुपए नकद राशि और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। शुभारंभ समारोह में लच्छीराम चौधरी, पूर्व जिला परिषद सदस्य इंदाराम चौधरी, सरपंच गोपाराम पटेल, पकाराम झोराराम, पंचायत समिति सदस्य सीता देवी पटेल, ओमाराम, सकाराम चौधरी सहित गणमान्य लोग और खिलाड़ी मौजूद रहे। समारोह का मंच संचालन नरसिंह राम पटेल ने किया।